राम राम। आई होप सबके बहुत अच्छे होंगे एंड आप प्रीवियस कुछ क्वेश्चन देख रहे होंगे। अगर इफ यू वांट एनीवेज कोई प्रीक्विजिट नहीं इस क्वेश्चन का, काफी सिंपल क्वेश्चन है एंड अगर कोई बच्चा जेई वगैरह देखा है तो उसके तो बहुत इजी क्वेश्चन है। या बट समझ लेते कैसे करना है अलजेब्रा का, बेसिकली कैलकुलस का ही कुछ। ठीक है, क्या क्वेश्चन बोल रहा है? f(x) फंक्शन ने आपको दिया हुआ x²-7x एंड g(x) इज अ फंक्शन x+3 राइट। यू हैव टू फाइंड द मिनिमम वैल्यू f(g(x)-3x। ठीक है, पहले तो एफ ऑफ जी एफ एक्स निकाल देते हैं। बहुत बच्चों को तकलीफ होता है ये फॉग ऑफ एक्स निकालने में, इसको फॉग ऑफ एक्स भी बोलते हैं। तकलीफ किस बात का है भाई? देखो आपको एफ ऑफ एक्स पता है एंड अभी एक्स जगह क्या रखा हुआ है? जी ऑफ एक्स, इतना ही फर्क है और कोई फर्क नहीं है। अभी एक्स जगह जी ऑफ एक्स है, तो जहां जाए एक्स वहां जी ऑफ एक्स रख दो, समझो इधर एक्स है तो जी ऑफ एक्स है, इतने से फर्क है। तो एक्स जगह रख दो जी ऑफ एक्स -7 इंटू जी ऑफ एक्स। मेरे को बताओ जी ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है? x+3 करो राइट, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x माइनस 7x माइनस 21 व्हिच इज आई गेस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस क्या होगा? ये आपका एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकल गया। वेट वेट वेट, आपको इसको मिनिमाइज नहीं करना, आपको इसको मिनिमाइज करना राइट, माइनस 3x। सो लेट इन बी एच ऑफ एक्स क्या हो गया? एफ ऑफ जी ऑफ एक्स माइनस 3x व्हिच इज एक्स स्क्वायर माइनस क्या होगा? 4x राइट, है ना? 4x हो जाएगा माइनस 21। आपको इसको मिनिमाइज करना है, आपको पता होगा हाउ टू मिनिमाइज। फॉर मिनिमाइजेशन वी टेक इट डेरिवेटिव एच डैश एक्स इक्वल टू जीरो, ये स्टेप है। और जिस पॉइंट पे जीरो आया फिर हम क्या करेंगे? एच डबल डैश एक्स निकालेंगे एंड जिस पॉइंट पे ये पॉजिटिव होगा वो पॉइंट मिनिमम है, ये आपको आना चाहिए ऑब्वियस स्टेप। कोई भी फंक्शन एच को अगर आपको मिनिमाइज करना है फाइंड एच डैश, देखो एच डैश जीरो किस किस पॉइंट पे, तो एक्स वन एक्स टू जहाँ जहाँ भी है। नाउ फाइंड एच डबल डैश एंड देखो एक्स वन पे अगर एच डबल डैश ग्रेटर देन जीरो है तो x1 is a point of minimum. Similarly, you have to do for it, right? This is the process. कर देते हैं। देखो h dash x क्या होगा? Zero. h dash x क्या होगा? x square का derivative क्या होता है? बताओ। इसका derivative ऐसा होता है ना? x to the power n is equal to n x to the power n minus 1. तो x का power 2 है, तो होगा 2x minus 4 equal to 0. तो x equal to 2. तो एक ही point आ रहा है। Now this may be a point of maximum, may be a point of minimum. So find h double dash x क्या होगा? इसका फिर से derivative मालूम? 2x minus 4 का? 2 तो यूनिवर्सली पॉजिटिव राइट, मतलब एक ही पॉइंट है जो कि हमेशा मिनिमम ही होगा। दिस इज द पॉइंट ऑफ मिनिमम बिकॉज़ ही यूनिवर्सली पॉजिटिव। अगर ये 2x आता तो हम x को पुट करते 2, पर समझ आ रहा है? तो ये तो 2 आता हमेशा ये मिनिमम ही होगा, लाइक दिस फंक्शन का मैक्सिमम कुछ है नहीं, हवा में उड़ रहा है, मिनिमम है एंड मिनिमम इज एट द पॉइंट 2। तो आंसर नहीं होगा, आंसर क्या होगा? 2 का हम पुट करेंगे जो वैल्यू आएगा, बिकॉज मिनिमम वैल्यू पूछा है, एट विच पॉइंट द वैल्यू इज मिनिमम नहीं पूछा है। 2 को पुट कर दो, स्क्वायर 4 माइनस 8 माइनस ओके दिस इज 12, मैं 21 क्यों लिया आई डोंट नो, ये 12 राइट, सर 12 है, चलो ठीक। तो यहां 8 माइनस 12 तो क्या हो जाएगा? माइनस 16 राइट। तो एफ ऑफ एक्स का मिनिमम वैल्यू 16 माइनस 16, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? माइनस 16। आई होप दिस मेक सेंस। ठीक है, कोई से हवा में बात नहीं हुआ, सिंपल कॉन्सेप्ट तो समझ में आया होगा आपको एंड अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। ध्यान रखिए गाइस फॉर मोर सच कंटेंट फॉलोअर्स। अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट है यू कैन आस्क इन द कमेंट्स और इन आवर सोशल मीडिया हैंडल्स, लिंक्स आर गिवन बिलो। ध्यान रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।